ये जीत मेरी नहीं, मेरे समर्थकों की है, जूनियर अधिवक्ताओं की है और वरिष्ठ अधिवक्ताओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और उनकी आशाओं में पूर्णतः सफल होऊंगा और उनकी जितनी उनकी आवश्यकता है यहाँ पूरी करूँगा। अधिवक्ता संघ श्रीमती रितु मुंदेला, महिला उपाध्यक्ष के लिए अभी विनिंग हुई हूँ। सब अच्छे से हुआ, मतदान का चुनाव है, सभी लड़े अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से रहा। अधिवक्ताओं के मान सम्मान का ख्याल रखना है, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना है और कोशिश करूं कि मैं अपन कर्तव्य ला, अपन काम ला पूरा कराऊं और खरा उतराऊं। पातला मैं अभी नहीं बता सका हूं, पर भरसक प्रयास रही कि मैं अगर अच्छा काम करूं तो मोर परिवार के सदस्य मन मोर साथ दही, तब भविष्य में अध्यक्ष चुनाव भी मैं लड़ सकता हूँ। जीत दर्ज करे हो, अध्यक्ष नाम निर्वाचित हुए हो, वकील संघ के क्या कहना चाहोगे? ये जीत मेरी नहीं, मेरे समर्थकों की है, जूनियर अधिवक्ताओं की है और वरिष्ठ अधिवक्ताओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और उनकी आशाओं में पूर्णतः सफल होऊंगा और उनकी जितनी उनकी आवश्यकता है यहाँ पूरी करूँगा। अधिवक्ता संघ सबसे पहला क्या कार्य क्या रहेगा? सबसे पहला जो व्यवस्था रहेगी, जो जूनियर अधिवक्ता है बैठने की उनकी व्यवस्था की जाएगी और पार्किंग व्यवस्था सुधारी जाएगी। पहले दिन से हम देख रहे थे आपका प्रचार प्रसार चल रहा था, हर जगह भारी चल रहे थे, उन वकीलों से क्या कहना चाहेंगे जिनकी भी मेहनत रंग लाई है? मेरे सारे जूनियर समर्थक, मेरे पुराने सारे दोस्त लोग मुझे पुनः इस अधिवक्ता संघ की बीड़ी हुई हालत को सुधारने के लिए मेहनत किए और उनके कारण मैं आज विजय हासिल किया हूँ। ये मेरा वरिष्ठों का आशीर्वाद और जूनियरों का प्रेम है मेरे लिए। बस हमारे साथ हितेन तिवारी जी जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, पद पर निर्वाचित हुई हैं महिलाएं, आइए हम सीधा बात करते हैं। मैम पहले परिचय बताइए। मैं श्रीमती रितु मुंदेला, महिला उपाध्यक्ष के लिए अभी विनिंग हुई हूँ। इसके पहले मैं महिला सचिव के रूप में भी यहाँ पे कार्य कर चुकी हूँ और उसके पूर्व वरिष्ठ महिला उपाध्यक्ष भी रह चुकी हूँ। ये मेरा तीसरा टर्म था जो मेरे भाइयों ने और बहनों ने मेरे ऊपर अपना विश्वास जताया है और मैं उनके विश्वास पर खरी उतरने की कोशिश करूँगी। अभी वर्तमान में अधिवक्ता संघ में जो अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ गई है, 2500 के करीब है हम अधिवक्ताओं की संख्या और उसमें बहुत कड़ा मुकाबला था और मैं ये जो प्यार मेरे छोटे भाई बहनों ने मेरे ऊपर दिखाया है, मेरे वरिष्ठों ने दिखाया है, उसका मैं भरपूर उनको रिटर्न करूंगी। जहां पर भी उनकी समस्याएं होगी उसके लिए रितु बुंदेला हमेशा खड़े रहेगी। महिलाओं के लिए जो हमारी महिला अधिवक्ता है उनके साथ समस्या आती है कि कई बार कर्मचारी है बार और बेंच में कई बार उनके साथ मिसबिहेव होता है, तो मैं उसको रोकना चाहूंगी। और दूसरी बात, जो मेरे छोटे भाई बहन यहाँ आते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर प्रयासरत रहते हैं और उनके लिए वो आते हैं रेवेन्यू साइड में, तो रेवेन्यू साइड में उनको बहुत सारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्तमान में भ्रष्टाचार अति चरम सीमा पर है और वहाँ पर मेरे भाइयों से जो है मिसबिहेव होता है, वहाँ पे दलाली प्रथा को मैं सर्वप्रथम बंद करूंगी रेवेन्यू साइड में और उसके लिए मैं हमेशा अपने भाइयों के साथ पे रहूंगी। मैम कितने मतों से विजय हुए? मैं करीबन 100 मतों से जीती हूँ। मेरे अगेंस्ट में 3 लोग थे जिनको मैं बीट करते हुए विनिंग पाई है। मैम आपके पीछे बहुत से वकील थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, परिवार का भी साथ मिला आपको, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं मेरे छोटे भाइयों में मेरा छोटा भाई है दिलीप झा और छोटी बहन है मोना शर्मा, उसने मेरे लिए काफ़ी प्रयास किया। इसके साथ ही साथ मेरे अन्य जो अधिवक्ता भाई हैं और बड़े भाई, छोटे भाई, छोटी बहनें, सभी ने मेरे ऊपर अपना विश्वास जो जताया है उस पर खरी उतरूंगी। 72 की ओर से आपको बहुत सारी बधाई। थैंक यू सर। महिला उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं मैम, और भी पद के जो विजय प्रत्याशी उनसे बात करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए 72। हमारे साथ विजय प्रत्याशी अरुण मिश्रा जी हैं, सचिव पद निर्वाचित हुए हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। अरुण जी क्या कहेंगे, कई दिनों की मेहनत आज रंग लाई है, सबसे पहले क्या रिएक्शन रहेगा आपका? अच्छा लग रहा है, बहुत
काफी घमासान था चुनाव पहले दिन से, हम देख रहे थे आप प्रचार प्रसार कर रहे थे, क्या कहेंगे? सब अच्छे से हुआ, मतदान का चुनाव है, सभी लड़े अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से रहा। प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले वकीलों की, अधिवक्ताओं के मान सम्मान का ख्याल रखना है, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना है। और क्या कहना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से, जिसने आपको विजय बनाया है, सभी वकीलों की यहाँ पर मेहनत रंग लाई है? 2000 के आसपास वोट पड़े हैं, सभी ने मेहनत की है अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने की, मुझे बस उतना ही वोट मिला जिसमें मैं जीत सका। अरुण भैया, पूर्व सेन जी होकर संग बात करो, अपूर भाई कहाँ कहूँ, इतना बड़े बंपर जीत। अब मेहनत और बड़े मन के आशीर्वाद काम करी और इतना भारी मत से जीते हो, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ और कोशिश करूँ कि मैं अपन कर्तव्य ला, अपन काम ला पूरा कराऊँ और खरा उतरा। आप युवा हो, युवा वकील मन आपको से काफी उम्मीदें हैं, बोला लेके डिसीजन रहे सबसे पहले। अब युवा वकील मन भर में तो अकेला कुछ नहीं कर सका, बस कोशिश ये रही कि हमारे जितना भी बॉडी में मेंबर हैं सब एक दूसर के सहमत होके ओकर बाद युवा मेंबर मन भर हमन जितना भर सक प्रयास करबो पूरा करे के कोशिश करबो। मीडिया के माध्यम से आप पहले दिन से प्रचार प्रसार पे रहो, अपन थोड़ा अनुभव बताओ ना, अपन कैसे रहे? अब अनुभव यही बताओ कि ये हमारे पारिवारिक चुनाव रही से, और हमारे पूरा परिवार है मोर 7 दिश, एक स्थिति में विजय हुए हूँ परिवार के पूरा आशीर्वाद से। चर्चा चला थे आगे चल के अध्यक्ष लड़े पर देखे मिल सकते हैं, अमन ला अपूर भाई ओला लेके कहा कहना चाहूँगा? अब वो भविष्य के बात ला मैं अभी नहीं बता सका हूँ, पर भरसक प्रयास रही कि मैं अगर अच्छा काम करूँ तो मोर परिवार के सदस्य मन मोर साथ दही, तब भविष्य में अध्यक्ष चुनाव भी मैं लड़ सकता हूँ। ये थे हमारे साथ अपूर्व भाई जो सह सचिव पद पर अभी निर्वाचित हुए, और भी जन संग बात करो, आप मन जुड़े रहो न्यूज़ 72 में।